आज मेरा म्यूज़िक का वो है परफॉर्मेंस है। सीन ये है कि हमारा जो कॉलेज है वो हर महीने ऑडिटोरियम में एक इवेंट कराता है, जो कि एक म्यूज़िकल इवेंट होता है जिसमें जिसको गाना है वो वहाँ जाके गा सकता है एंड वहाँ जाकर यू नो अपना टैलेंट शो कर सकता है। मैं और आनंद बहुत मतलब हमने प्रैक्टिस करी है इसके लिए, तो देखते हैं क्या ही होता है। तो सुबह सुबह का वक्त था एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस तो शाम को है, तो मैंने सोचा इससे पहले थोड़ी पढ़ाई पूजा ही कर लेते हैं। सो, आप सबको तो पता ही है कि मैं प्रेप लैडर ऐप बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। सो, अभी मैंने एम्ब्रियो रिवाइज करना शुरू किया है एंड सच बताऊं तो मैं हमेशा से ही एम्ब्रियो में थोड़ा वीक रहा हूं, पर कुछ लेक्चर्स एंड नोट्स देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। नोट्स की बात करूं तो नोट्स में डिटेल इन्फॉर्मेशन टेबुलर एंड इमेज फॉर्म में दे रखी है, जिससे पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आपको पैटर्न पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। प्लस साथ ही साथ इसके आपको टाइम स्टैम्प्स देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्टली उस टॉपिक के लेक्चर में जा सकते हैं। लेक्चर खत्म करने के बाद मैं अक्सर उस टॉपिक के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता हूं। और सच बताऊं तो ये नया क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट एडिशन बहुत ही ज्यादा ऑसम है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये सही आंसर का एक्सप्लेनेशन तो देता ही है, प्लस साथ ही साथ आपको गलत आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ऑप्शन गलत है तो गलत क्यों है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सच कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लगता है, जो कि हर क्वेश्चन के नीचे मिलता है, जिसमें पूरा टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिटेल वे में पॉइंट वाइज फैशन में दे दिया जाता है। एंड ये चीज वही होती है जो कि आपको एंड ऑफ द डे याद रखनी होती है, सो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं तो हमेशा इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अपने नोट्स में लिख लेता हूं, ताकि एग्जाम डे में तो मैं ये सारी चीजें ना भूलूं। इसके साथ साथ ट्रेजर्स भी होते हैं, जो कि टेबुलर एंड फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में होते हैं, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली मेमोराइज हो जाते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप उस टॉपिक की वीडियो में डायरेक्टली जा सकते हैं, जिससे आपका टाइम और मेहनत दोनों बच जाता है। तो अब वीडियो लेक्चर्स को थोड़ा विराम देते हैं एंड थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, स्टेज में जाकर बेइज्जती नहीं करानी है, तो ठीक है। हेलो हेलो के राते अब नहीं धड़कती, दिन भी सांस नहीं लेते, अब तो आ जाओ मेरे सोनिया, बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे जरूरी, आके सोने जाओ मेरे तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती, अब जो होता है वो पहले ना होता था, तेरा
लिपस्टिक लगाते हुए लिप बाम फर्क ही नहीं पता बच्चे को फेशियल केयर करता है सर अपना बहुत ज्यादा फट रहे भाई ठंडी से होठ देख सकते हैं आप इसका क्या फट रही है फट रहा है ओए आर्को वो देख उधर अभी होगा ना स्ट्रगल इज रियल आर्क का सेकंड ईयर से बनेगा आर्क ने पोस्टर भी लगा लिया वो हो रहा खुद को देखता है उसने आर का है वो पांडा क्या 20 रुपए वापस आएंगे हाँ सच में हाँ हाँ कैसी क्या हो गया पखारिया ये टेक्निक ये सब मुझे क्या नहीं पता ग्वालियर में पहुंचा नहीं होगा ना अभी तक ये सब बट बिहार में नहीं भाई बट बिहार में भी तो नहीं बिहार ग्वालियर में सच में नहीं है तेरे को कुछ हुआ है क्या हुआ है पवित्र को कुछ बात दिल पे लग रही है देख पे झूम मार दे भाई फुल झूम मार दे नेटवर्क आज अच्छा नहीं आया दिल्ली में उसका वो देख सकते हां नेटवर्क इशू है ये सब यू सिद्धार्थ हम तो दोस्त है ना तो तुझे फ्री में यूलू राइड दिलवाएगा हाँ भाई अभी पुलिस आ जाएगी भाई मत करो हेलो गाइस पवित्रा आखिरकार हमने यूलू चलाई लिया यस सौम्यम अकम्पलिशमेंट सबसे सही तो आर को चला रहा था इतनी जगह रुके इतनी जगह वो टर्न इतनी जगह गाली पड़ी है और तू क्या आया था दो शादियों के बीच से आया था तू क्या कैसे पढ़ते फाड़ते हुए पैदल लाया हुआ लास्ट में वो बंद हो गया था क्यों तेरा वेट संभाल नहीं पाई यार ठीक है कुछ नहीं है तो ऐसे ही है ये किसके लिए है ये तो मैं अपने लिए है मैं रात में खाऊंगा ऐसे रात में ये हाँ, मेरे लिए तो नहीं, नहीं है नहीं, अपने लिए ये किसके लिए है ऐसे मीठा खाने की तलब बुलाती है मीठा अच्छा रात को अच्छा ठीक है किसी और को तो नहीं हो रही है ये तुझे ही हो रही है अच्छा ठीक है नाइस नाइस हमको पता था तुम आने वाले तेरे को पखारी छोड़ के चला गया कह रहा था ऐसी चीज हम छोड़ देते पीछे जनपद पे हम सेंटर सेक्रेटरी क्या करें लोगों को जवाब देना होता है किसी को कोई छोड़ देता है किसी को कोई छोड़ देता
इसको। मुझे ले आया यहाँ पे अपने ईयरफोन्स के वो चेंज करने के लिए। भाई सब में एक ईयरफोन खराब होना ऐसा फिक्स क्यों है? वो एक्सचेंज कराया लास्ट टाइम, फिर वो वापस खराब हो गया। सेंस है भाई, सेंस है। वोट मत करना कभी, वोट मत करना। तो ये तेरे को बोलना चाहिए ना उधर। नहीं अभी तो एक्सचेंज हो रहा है तो ठीक है, अभी तो एक्सचेंज जब तक करते तो बढ़िया है भाई। पवित्र ऐसा तो नहीं अभी तो पार्टी भी देगा मुझे? नहीं पर इसका अच्छा है कि कलर चेंज होता रहता है, लास्ट टाइम बैठ के ब्लैक ले लिया था। नहीं था बिल्कुल ही, मैं 12 बजे उठा था दिन के, इसने मेरे को, मैं 2 घंटे सोया था बस, 2 बजे इसने मुझे उठाया। भाई सावन अपना भाई है भाई, उसको ब्लॉग मिलेगा, ब्लॉग कंटेंट ये मिलेगा मुझे कंटेंट ये भाई, कसम से भाई 2 घंटा सोया होगा सर। मैं भी कम ही सोया, मुझे भी नींद आ रही। ठीक है तो ये खिलाया पवित्र ने, कुल्हड़ लस्सी, पता नहीं क्या ही है ये भाई। पी के देख रहे हैं, हमने नया ट्राई करा, कुल्हड़ चाय सुना होगा आपने, पर कुल्हड़ लस्सी नया इनोवेशन है, जिसपे वी हैव गार्निश फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकिंग। क्या कह रहा है, हॉस्टल की याद दिला रहा है, कैशियो नट्स विद द अरोमा ऑफ अ। अच्छा ठीक है ठीक है, ये है भाई मेरी नींद का वो, ये भी नहीं पिला रहा, मुझे लग रहा है 20 में वापस कर दे। ठीक है ठीक। हां भाई सावन कैसा लग रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आके? भाई मैं आज टाइम स्पेंड करके आराम से, भाई मैं सो रहा था आराम से बैठा हुआ था भाई, 12 बज रहे थे, 12 तो बज, मैं दिन के 12 बजे तो सोया था, फिर 2 बजे जैसे ही वैसे ही आ गया भाई और बोलने लग गया चल 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 भाई, मर गया भाई मैं। इससे मेरे को घसीट घसीट के लाया भाई मुझे, क्योंकि बाल देखो भाई, आंखें देखो, क्योंकि मेरा भाई है, मैं भाई के साथ ही जाता था। और भाई इसने मेरे को लालच दिया था कि मुझे खिलाएगा भी और मेरी राइड वाइड सब फ्री होगी, इसने पता नहीं ये क्या पिला दिया मुझे छोटा सा। वापस भी लूंगा पैसे उसके। वापस लेगा भाई ये, कितना खराब है भाई ये, इसने पहले ना एयरफोन्स लिए वो खराब हुए, फिर इसने उसको चेंज किया, वो भी मैं ही गया था उसके साथ, इसके साथ मैं ही गया था, इसने फिर से चेंज करा दिया उसको, कलर चेंज कर रहा है बस ये। तू याद आता है लकी हो जाता है ना, काम हो जाता है, लकी हो जाता है, बढ़िया नहीं भाई। 2 घंटे सो, पता क्या मैं बस 2 घंटे सोया हूँ और ये 9 घंटे सोया है, और यहाँ पे मेरी साइड में बैठ के कह रहा हूँ भाई नींद आ रही है बहुत ज्यादा, थकान है भाई, बहुत हो गई यार। हमें पवित्र नकली स्टेशन में ले जा रहा है, इसको मेट्रो का कुछ पता ही नहीं है। अभी हम दूसरी तरफ चले गए थे हम, इसका अभी भी रिचार्ज मैंने करना सिखाया है इसको। अरे मेरे को आता था, पर पिछली बार जब मैंने किया था ना तो वो हुआ नहीं था, और ब्राउन मुंडे जैसे नहीं लगा, ब्राउन मुंडे, हाँ आंखें भी। मैं वो मेट्रो कार्ड घुमा देता हूँ ना, बात ये है कुछ ज्यादा संकेत हो गए। चलो चलो यहाँ पे आ चुके हैं, एंड अभी हम चश्मे की दुकान ढूंढ रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है, और हमें डर था कि हमारा फोन जो है वो चोरी हो जाएगा हमसे। अब बढ़िया मेजर्स लिए हैं हमारे, जस्ट आगे पुलिस ऑफिसर भी चल रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रही है, हाँ हमें एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रहे हैं बिल्कुल चश्मे की दुकान में, तो हम वहीं पे चल रहे हैं। कौन सी शॉप पे जा रहे हो? कौन से थे? टाइटन लेंस, टाइटन आइलैंड्स। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे चांदनी चौक में होता है टाइटन आइलैंड्स? हमारा वैसे बहुत नॉटी हो रहा है, बहुत ज्यादा। अरे क्या नहीं ना, पवित्र के जो हॉर्मोन्स है कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, एंड भीड़ का मतलब यहाँ पे दोनों जेंडर घूम रहे हैं, दोनों जेंडर से मतलब आपका एक ही जेंडर है, कौन घूम रहा है, बच बच के चल रहे हैं भाई हम। ये वीडियो कोई और बना रहे, कंटिन्यू कोई और करे, और ले जाए इस फोन को, वीडियो बनता रहेगा, ठीक है रुकेगा, डलेगा तो सही नहीं, किसी और की फोन पे चले और डाले कोई। बाकी खैर हमने चश्मा फाइनलाइज कर लिया है पवित्र, तो एक ही चश्मा ना चार टाइम में दिखाया जा रहा मुझे बंदा, अरे ये ले मैं इसका बताता हूँ ना, प्रेशर हो गया था मेरे पे भाई साहब, मैं इसका बताता हूँ ना, तो मैंने ना पहले ना 3-4 चश्मे ट्राई किए, ठीक है, उससे मैंने एक सिलेक्ट किया, ठीक है ये बाहर गया फोन, तो तब तक मैंने ना एक नया चश्मा निकाल लिया, ठीक है फिर मैंने पहना, कहता हाँ बढ़िया है, हाँ भाई तो है सबसे अच्छा था, मैंने जो 4 देखे थे और फिर जो इसने 5 निकाला, एक अलग ही था, एक अलग लुक था, वही है, परफेक्ट है भाई, मतलब इसकी जल्दीबाजी है कि ले ले भाई कुछ भी ले ले भाई, 8 घंटे से चश्मा देखे, वो भी एक ही थे तीनों भाई, अलग अलग ब्रांड के, एक ही पहने जा रहे, चश्मा इतना महंगा था कि डीजल ले रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। अरे यार था हमें देखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि पवित्र के साथ डेट पे आए हैं, वही तो भाई, ऐसे लग रहा है वो दो लड़कियां नहीं होती, ओ बेबी आर यू लाइक सैड, लेट्स गो ऑन अ शॉपिंग डेट टुगेदर, ओ माय गॉड यू लुक यू सो क्यूट यार। पवित्र ये कहीं और करियो, यहाँ पे तो नहीं होगा, आप जल्दी, ये तो तू करता, पता नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं करता। ओके ओके ओके, देख सकते हो धोखा हुआ है, मैं इसको लाया यहाँ तक, एंड आसान बंधु
कि ये मेरे साथ आया, तो इसलिए मैंने इसे फ्री में मतलब यू नो ट्रीट दी। ट्रीट अच्छा मुझे बोला वो फ्लरी खिलाएगा, हम 1-2 किलोमीटर शायद वॉक करके आ रहे हैं फ्लरी खाने, इसने 200 रुपये निकाले ठीक है। तो फ्लरी थी कितना 89 रुपीज की, तो मुझे लगा ठीक है ऐसे मिल मिला के 190 रुपीज और 10 रुपये टैक्स लग जाएंगे, बंदे सामने 100 रुपये वापस करता है। तो मुझे भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये तो कोई ऑफर ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। फिर इस नल्ले से ने माना क्या दिया ये फ्लरी, ये स्वाल इतना महंगा फ्लरी स्वाल। थैंक यू भाई थैंक यू, मेरा हमें कौन खाने के लिए 2 किलोमीटर से वॉक करके आ रहा है भाई। मैंने सेम तो पवित्र की आलिया भाई जैसे आईब्रोज है एंड बस वो नहीं है मेरे ऋतिक रोशन जैसा आईब्रोज है गाइस ऋतिक रोशन। बनाया मेरे लिए भगवान ने, वो है मेरा प्यार इस पूरे जहान में दिन रात करते इंतजार में।